हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के शत्रु को कोरोना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संक्रमित हुए। एक दिन पहले ही उनकी पत्नी पॉजिटिव आई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। गहलोत ने गुरुवार को खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को ही मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। राजस्थान में कोरोना से मौतों की दर 2 सप्ताह में 3 गुना तक बढ़ी। प्रदेश में अब सबसे बड़ी चिंता कोरोना से हो रही मौतों को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 2 सप्ताह की रिपोर्ट देखें तो संक्रमण से मौतों के केस 3 गुना तक बढ़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन रिपोर्ट में उन्हीं मरीजों की कोरोना से मौत बता रहा है जिनकी क्रयज ककष्ट कर रिपोर्ट पॉजिटिव थी। सांसद विधायक भी आए चपेट में। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के अंदर 16,613 नए केस मिले हैं जबकि 120 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राहत की बात ये है कि प्रदेश में धीरे धीरे रिकवरी रेट का ग्राफ अब बढ़ने लगा है। 8,303 संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए हैं। इधर कोरोना की चपेट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र और झालावाड़ बारा के सांसद दुष्यंत सिंह आ गए। जयपुर विधायक अशोक लाहोटी और उनका पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया। सरकार ने सांस में तकलीफ वाले लोगों से प्रॉनिंग करने के लिए कहा है ताकि ऑक्सीजन लेवल को गिरने से रोका जा सके। जागरूक टीवी की जयपुर से खास रिपोर्ट।